हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से एक अधिवक्ता के रूप में यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, क्योंकि 2020 से पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं उस प्रोसेस में। वो सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अब जब आप यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो अब अगर आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसमें अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा, कितनी फ़ीस जमा करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप जो है आपको जो आई कार्ड मिलता है, अगर आप यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो आपको एक आई कार्ड मिलेगा। उस आई कार्ड को ले जा करके जो काउंटर होता है बार एसोसिएशन का, वहाँ पे आप जाएंगे और 3,440 रुपये पैड करेंगे। जब इतना रुपये आप जमा कर देंगे तो आपको एक स्लिप दी जाएगी, जो स्लिप ये है, इसी तरह की स्लिप आपको मिलेगी। यहाँ पे रिसीप्ट नंबर होगा, डेट होगा, नाम होगा आपका, ये सारे डिटेल यहाँ पे आपके भरे होंगे, फादर नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ये सब डिटेल आपको भरे हो मिल जाएंगे आपके फॉर्म के साथ। तो ये डिटेल जब आपको मिल जाएगी, ये रसीद मिल जाएगी, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस रसीद के बाद से फॉर्म किस तरह होगा ये देखिए, फॉर्म जो है इस तरह का होगा। ये हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फॉर्म है, इसमें ये सारी डिटेल जो है आपको भरनी होगी। देखिए इसमें क्या क्या भरना है, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले जो है इसमें जो फ़ोटो लगेगा वो कोर्ट और बैंड में होनी चाहिए। इसके पहले आपने जो बार एसोसिएशन यानी यूपी बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें क्या लगा था, जो फ़ोटो लगा था वो कोर्ट और टाई में था, लेकिन जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो फ़ोटो लगेगा वो कोर्ट और बैंड में होगा। यहाँ पे तीन फोटोज लगेंगी, ठीक है। उसके बाद से जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है यूपी बार काउंसिल में, तो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिलता है। उस प्रमाण पत्र की आपको जो है एक फ़ोटो कापी करानी होगी, और वो फ़ोटो कापी भी इस फॉर्म के साथ लगेगी। और क्या क्या चीज़ें लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये रसीद लगेगी, जो ऊपर मैंने आपको रसीद दिखाया वो रसीद लगेगी। उसके बाद से जो है जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको मिलता है यूपी बार काउंसिल से, उसकी एक फ़ोटो कापी मिल लगानी होगी इस फॉर्म के साथ। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, एलएलबी की डिग्री या डिग्री ना हो तो प्रोविजनल, और ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, ये इतनी चीज़ें आपको जो है इस फॉर्म के साथ लगानी होगी। अगर जो है आप ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं कराए हैं तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने के बाद से आपको एक रिपोर्ट मिलेगी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उस रिपोर्ट की फ़ोटो कापी भी फॉर्म के साथ लगेगी। तो रिपोर्ट मुश्किल से 40-50 रुपये में जो ब्लड ग्रुप जो टेस्ट होता है वो हो जाता है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 50 रुपये के अंदर जो है आपका ये रिपोर्ट मिल जाता है ब्लड ग्रुप का, तो इसको भी आपको लगाना होगा। उसके बाद से करना क्या है, आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होगी, जैसे नेम भरना होगा, फादर नेम भरना होगा, और उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, जेंडर, मैरिटल स्टेट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और जो है आपको जो है बार काउंसिल में इनरोलमेंट जो कराए हैं उसका नंबर भरना होगा, इनरोलमेंट किस डेट में हुआ है अब उसको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद से यहाँ पे अपनी साइन करनी होगी, अपना जो है कम्युनिकेशन का एड्रेस देना होगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देना होगा, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीट बाई प्लेस वेयर द एप्लीकेंट इज सिटिंग प्रेजेंटली हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप अगर कहीं बैठ रहे हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल देना होगा। उसके बाद से आप जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप टेस्ट कराए होंगे, जो रिपोर्ट मिला होगा उसमें आपको यहाँ पे टिक करना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दो लोगों के यहाँ पे डिटेल लगेंगे, दो अधिवक्ताओं के, ठीक है। और ये ऐसे अधिवक्ता होंगे जो है जो जो यूपी बार काउंसिल में 10 साल पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, यानी अगर हम बात करें 2020 में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो
इस प्रोपोजर और सेकेंडर वाला जो ये पूरा कॉलम है, ऐसा अधिवक्ता भरेंगे जो 2009-10 में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं, कहाँ पे, यूपी बार काउंसिल में, यानी 10 साल पुराने जो रजिस्टर्ड अधिवक्ता होते हैं यूपी बार काउंसिल के, वो यहाँ पे अपना डिटेल भरते हैं, अपना नाम भरते हैं, पता भरते हैं, फादर नेम भरते हैं, और इनरोलमेंट कब कराए हैं यूपी बार काउंसिल में उस डेट को भरते हैं, फिर आपके नाम को ऊपर पोस्ट करते हैं। तो ये दो अधिवक्ता प्रपोजर और सेकेंडर होते हैं, ये जो है आप इनको आपसे जो है फिल करवाया जाता है। तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप ऐसे अधिवक्ताओं से जो प्रैक्टिस जिन्होंने हाई कोर्ट सॉरी जिन्होंने यूपी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन जो है 10 साल पहले कराया है, उससे आप इसको फिल करवा सकते हैं। तो इसमें क्या कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो आपके जान पहचान के भी होंगे बहुत से लोग, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे ये लोग इस कॉलम को भर देंगे। उसके बाद से करना क्या होगा कि आपको जो है एक एफिडेविट भी लगानी होगी जो कि कचहरी से बन जाएगी, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है, आप बता देंगे सिर्फ कि हमें मेंबरशिप लेनी है बार एसोसिएशन की, तो बन जाएगी। उसके बाद से इस फॉर्म को भरने के बाद जो है आपको ले आ करके काउंटर पे जमा कर देना है। जब काउंटर पे आप जमा करेंगे तो जमा करने के बाद से देखिए इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो जब आप इसको जमा करेंगे काउंटर पे ले आ करके तो वहाँ पे आपको एक डेट बताई जाएगी या बताया जाएगा कि आपको फ़ोन किया जाएगा, आपके पास कॉल जाएगी कि इस डेट में आइए और आपका आज इंटरव्यू है। तो बार एसोसिएशन के जो भी मेंबर होते हैं, अध्यक्ष और सचिव वगैरह, उनकी उपस्थिति में जो है एक इंटरव्यू लिया जाता है आपसे। इसमें कुछ ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, आसानी से इंटरव्यू हो जाता है और आपको वहाँ पे नाश्ता पानी भी कराया जाता है। तो इंटरव्यू होने के बाद से आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा आपको हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो कार्ड होता है, आई कार्ड होता है, मिलने में। तो 1.5-2 महीने के अंदर मान के चलिए आप जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बन जाएंगे। और ये जो मेंबर बनते हैं, जो न्यूली जो नया मेंबर बनते हैं, वो रेसिडेंट मेंबर होते हैं। और अगर आप एक सॉरी जब आप नए अधिवक्ता के रूप में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मेंबरशिप लेते हैं तो 3 साल तक जो है आप जो है बहुत सारी सुविधाएं जो होती है हाई कोर्ट की उसको नहीं पा सकते हैं। 3 साल से पहले जो है आपको जो है वोटिंग का अधिकार भी नहीं मिलता है, यानी अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही आप वोट दे सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी बाद में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मेंबर्स बन गए हैं, सदस्यता ले चुके हैं, तो अब एक अधिवक्ता के रूप में अपने नाम से केस को किस तरह से फाइल करेंगे, उसके लिए भी आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, आपको एक नंबर मिलता है, वो सारी डिटेल हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से संबंधित जो भी बातें आपको पूछनी हो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या क्या समस्याएँ आपको जो है आ रही है इस फॉर्म को भरने में, या कौन सी बातें आपको नहीं समझ में आई है, सारी बातों को मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।